हाँ भैया, हमने आईफोन का लुक भी अचीव कर लिया, हमने आईफोन का इमोजी भी अचीव कर लिया, लेकिन अभी तक यदि कोई चीज़ नहीं अचीव हो पाई है वो है आईफोन का स्मूथनेस, और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो आईफोन के स्मूथनेस को अचीव करने के लिए आपको मिलना पड़ेगा नाइग्रा लॉन्चर से, जो कि 2016 में एक टॉर्च का एप्लीकेशन हुआ करता था, वो अभी प्रॉपर लॉन्चर का एप्लीकेशन बन चुका है। और इनसे हमारी दोस्ती काफी पुरानी है, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो पहला या दूसरा वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया था। तो इसके काफ़ी सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो कॉन्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं प्रोस की बात। तो पहली जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी वो है आपका प्रोडक्टिविटी इसके मदद से 3 to 5 times इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इसमें डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ फेवरेट एप्लीकेशन ही रख सकते हैं अपने होम स्क्रीन में, और इसमें आपको कोई भी ऐप ड्रॉपर देखने को नहीं मिलता है। और जो दूसरा इसमें अच्छा फीचर है वो है फोल्डर्स एंड पॉपअप्स का। फोल्डर में बेसिकली आप फोल्डर में कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन ऐड करके अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, और जो पॉपअप्स का फीचर है ये तो भाई काफ़ी कमाल का है। इसके हेल्प से आप अपने व्हाट्सअप मैसेजेस के रिप्लाई क्विक में कर सकते हो। और एक अच्छा फीचर इसमें ये है कि सीक्रेट नाइग्रा बटन, इसमें आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो या फिर कोई एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो या फिर ऐप सर्च ऐड कर सकते हो, और जब भी आप उस बटन पे टैप करोगे तो उनको एक ही क्लिक में आप एक्सेस कर सकते हो। और यदि इसके कॉन्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो कॉन्स है वो है ये थर्ड पार्टी लॉन्चर है, जिसके वजह से किसी किसी फोन में आपको जेस्टर सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक कॉन इसमें यह है कि आप एक ही विजिट को ऐड कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पर, लेकिन यदि आपको एक से ज़्यादा विजिट ऐड करना है तो आप किसी भी एप्लीकेशन का विजिट ऐड कर सकते हो उसके पॉपअप सेक्शन में, और जब भी आप उस एप्लीकेशन को स्वाइप करोगे तो आप उस विजिट को एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।